भाई साहब थोड़ा पीछे नहीं हो सकते हो क्या? ओ और कितना आगे जाएगा यार, अच्छा मैं आप लोगों को कहना चाहूंगी, इस मूवी में पहली बार हमें आपका एक्शन देखने को मिल रहा है गुजरात में गुज्जू बन करके, सो आई थॉट लेट मी हेल्प यू ऑल अ लिटिल कि गुजरात में मतलब क्या क्या होना चाहिए. सो मैं बताने वाली हूँ गुज्जू और पंजू व्हाट इज द डिफरेंस. ओके अकॉर्डिंग टू मी, महाराष्ट्र में रहते हुए हम गुजरात और पंजाब के बीच में डिफरेंस देखते हैं. गुजरात में खाया जाता है खमंड ढोकला, लेकिन पंजाब में खाया जाता है घमंड ढोकला. गुजरात में गरबा डांस होता है 8 बजे के बाद, लेकिन पंजाब में भांगड़ा डांस होता है 8 पैग के बाद. गुजरात में LSD का फुल फॉर्म होता है लव सेव और ढोकला, है ना. पंजाब में शादी के पहले लड़की होती है बार्बी, शादी के बाद चर्बी. अच्छा सॉरी यहाँ फेमिनिस्ट, ओके सॉरी, ओके ओके डोंट हिट मी. ओके विदाउट मच अडू आई थिंक यहाँ पर मैं आई वुड लाइक टू कॉल द टीम ऑन स्टेज. सबसे पहले फ्रॉम द टीम ऑफ प्रोड्यूसर्स कमाईनी पुनिया शर्मा जी, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज, ऑल्सो द चेयर्स, यस ऑल्सो या ओके. मैं एक काम करती हूँ, पहले सबको बुला लेती हूँ, उसके बाद में सबसे थोड़ा पूछताछ की जाए. उसी के साथ में डायरेक्टर नवनीत सिंह, कैन वी हैव यू ऑन स्टेज प्लीज, व्हाट अ ट्रेमेंडस जॉब यू हैव डन विद द ट्रेलर, द वेरी रेडियंट द गॉर्जियस कृति खरबंदा, प्लीज प्लीज जॉइन मी ऑन स्टेज, द सुपर फिट द वेरी हैंडसम एंड डैशिंग बॉबी देओल. अच्छा अच्छा पिक्चर अभी बाकी है. The so powerful and oh my god, अपने देसी superhero सनी पाजी. And of course, मैं क्या कह सकती हूँ, the very respected धर्मेंद्र जी सर, please आइए stage पर, I want you to be a part of this.
ऑलराइट, फुल जोश में। हाय हाय, ओके थैंक यू। कैन यू गाइस प्लीज टेक द चेयर्स। अच्छा सबसे पहले तो ये तो ट्रेलर था, इसके पहले टीजर देखा था ना हम लोगों ने। एक सवाल है बॉबी, आपसे पूछना चाहूंगी मैं सबसे पहले। एक सवाल है जो कि अनआंसर्ड रह गया मेरे लिए कम से कम, कि ये आपका नाम काला क्यों है फिल्म में? जानना है कि नहीं जानना है हमें? व्हाई व्हाई? वो इसलिए तो मैं परेशान दिखता हूँ प्रोमो में जब मेरा नाम काला लिया जाता है। एग्जैक्टली, हम भी परेशान हैं। पर इसकी जो मिस्ट्री है कि काला नाम कहाँ से मुझे मिला, वो आपको फिल्म देखनी पड़ेगी, क्योंकि उसके पीछे एक बहुत ही स्वीट और इमोशनल रीजन है। अच्छा, काला नाम के पीछे इमोशनल रीजन है? हाँ। अरे ये तो मतलब सच में देखना पड़ेगा। अच्छा, नाम सबके ही बहुत ही अलग टाइप के हैं। सो वी ऑल्सो हैव चीकू। इज दैट बिकॉज यू आर सुपर स्वीट इन द फिल्म? वो ये बता सकते Why is her name Chiku? I can't hear myself in the film. Why am I? लगता है ना काला चीकू pairing अच्छी लगती है। अच्छा काला चीकू। काला जामुन होता है। हाँ तो फिर आपका नाम जामुन अच्छा लगता है आपको? I don't know. Why not? Try कर लेते। अच्छा but I really want to ask you, did you also like become a part of the family? कैसा था? How was it? I was very nervous when I started off. Very very nervous. But I think अभी देख के ही पता चलता है कि अब कोई nervousness नहीं रही। But I feel very much a part of the entire family, not just them, but even the producers, even our director, all of us. I know as cliched as it sounds, yeah, we've had literally every meal together while we were shooting. Yeah, yeah. Everyone sits together, everyone chills together, and it was good fun because we had a lot of outdoor shooting. How nice is that? अच्छा, please let's maintain some silence so that we can take the event forward. सनी जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, एक्चुअली आपको बताना चाहती हूँ कि इस फिल्म में एक और भी स्टार है, सुपरस्टार है, और वो है आपका 2.5 किलो का हाथ। हमें उसको क्रेडिट देना चाहिए आज के बाद से, है कि नहीं? सो यू नो वी सी दैट वन शॉट जहाँ पर आप ऐसे मारते हो और पूरा पिलर गिर जाता है, विच इज लाइक यू नो द हाई पॉइंट फॉर मी। बट टेल मी समथिंग, ओके दिस इज पर्सनल, टेल मी समथिंग, व्हेन यू वर किड्स, बचपन में कभी ऐसा हुआ था कि आपने बॉबी को भी मतलब एक बार कभी ऐसा मार दिया हो? And then how did Bobby, you know, feel after that? ये भी जानना है मुझे। नहीं, Bobby's always been a little too young for me to मैं इसके ऊपर कुछ करूँ भी, हाथ भी उठाऊँ। He's been my little brother, he's been like a son to me। हाँ, लेकिन एक बार ही उठाया था। उठाया था। All right, let's have that। जब मैं स्कूल में था और मुझे मेरी ट्यूशन टीचर ने कंप्लेन कर दी कि बॉबी पढ़ नहीं रहा ठीक से, तो भैया आए मुझे समझाने और फिर मैंने शायद सही जवाब नहीं दिया होगा भैया को, तो भैया गुस्से में आ गए और उन्होंने मुझे थप्पड़ मारा। और उसके बाद मैं कभी नहीं मारा। अच्छा? क्योंकि मैं इतना रोता था थप्पड़ खाने के बाद में कि भैया डर गए थे। इतनी जोर से नहीं मारा था, लेकिन मारा जरूर था। प्रीटी ड्रामेटिक। मुझे लगता है आपके साथ में ऐसा भी होता होगा, कंधे पे हाथ मत रखो प्लीज, जस्ट लाइक कीप इट इन योर पॉकेट्स। ओके, यू नो मीडिया के सवाल हम जल्दी शुरू करेंगे, बस आखिरी सवाल धर्मेंद्र सर मैं आपसे ही पूछना चाहती हूँ। सबसे पहले तो आपको भी मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ जो मेरे दिमाग में हमेशा से बात रही है, कि देर इज़ अ रीज़न वाई हर औरत धर्म पत्नी बनना चाहती है कि नहीं? सारी की सारी वुमेन अग्री। सुनते ही मुझे शर्म आ गई, इसलिए कि मैं शर्माता हूँ, शर्म में मेरी शायद कुछ होगा। अच्छा, इस फिल्म में मुझे पता चला है कि आपको कुछ ऐसा परियां दिखती हैं, तो ये तो आपने हर एक आदमी की जो फैंटेसी है उसे सच कर लिया है, व्हाट इज इट बिहाइंड? होश संभलते ही ऐसा शुरू हो गया था। आई डोंट थिंक यू वर इमेजिनिंग दैट। मुझे लगता है आपके आसपास असली में हमेशा परियां रहना चाहती हैं। फिर भी इमेजिनेशन थोड़ी जाता है। Alright, I won't say a word after this. Can we have some mics rolling in the media, please? We have some really lovely. इसका imagination चला जाए, मर्द ही नहीं। Check. Okay, hello, lovely guests from the media. Yes. Hi, धर्म जी, सनीपा जी, बॉबीपा, कृति, बेहतरीन ट्रेलर है। मेरा नाम आलोक है, आपके लेफ्ट में। मेरा सवाल ये है कि कब तय हुआ कि YPD 3 बनानी है? अगर आप तीनों में से कोई भी
आंसर कर सके। मैं बोल देता हूँ। जी 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 धर्म जी। होश संभलते ही हर इंसान अपनी हसरतों को पूरा करने की कोशिश में जुट जाता है। आप भी किसी न किसी कोशिश में जुटे होंगे इस वक्त भी। और हमारी हसरत थी यमला पगला दीवाना फिर से। पहली फारी चल गई थी, दूसरी फ्लॉप हो गई, तो हम जाट हैं, पीछे हटने वाले नहीं, हम फिर ट्राई कर रहे हैं, हम करते रहेंगे जब तक जीत जीत कर छोड़ेंगे। तो इस तरह हिम्मत हुई और कोशिश की, हमने इसे कंप्लीट किया, कोशिश पूरी हुई। अब कोशिश है कि इसके फल मिलने चाहिए, आप उसकी कोशिश की जा रही है, उसी कोशिश के लिए हम सब इकट्ठे हुए हैं आज। और हम चाहते हैं इसी कोशिश में आपकी कोशिश भी शामिल हो जाए तो ये कोशिश को फल लग जाएंगे। ये है हम यमला पगला दीवाना के पीछे राज, क्यों हर वक्त आप किसी न किसी खूबसूरत हसरत को पूरे करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अगर आप कुछ नहीं करते तो आप हो जाएंगे मोटे। धर्म जी, अक्सर हम सनी पा और बॉबी से पूछते हैं कि जब वो आपके साथ काम करते हैं, लेकिन आज आपसे जानना चाहेंगे जब आप अपने अपने लोगों के साथ काम करते हैं, अपने सनी पा और बॉबी पा के साथ काम करते हैं, आपकी क्या सोच होती है, आप किस जोन में होते हैं? मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी जी। देखिए, मैं दुनिया भर को अपना समझता हूँ और अपने तो फिर अपने लगते ही है ना। आप सब मेरे अपने हैं भाई, ये वक्त गवाह है। वक्त से पूछिए मेरे चलते हुए, वक्त से पूछिए मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं, वरना इतना सफर मैं नहीं चलता। सनीपा जी ऑन योर राइट, सनीपा जी ऑन योर राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस टू द टीम फॉर द फैंटास्टिक ट्रेलर। दिस इज सिमरन सिंह हियर फ्रॉम बुक माई शो। मेरा सवाल आपसे ये कि हाँ, जितनी भी मूवीज आती हैं वो एक महीने पहले से प्रमोशन शुरू हो जाता है, ट्रेलर भी बहुत जल्दी आ जाते हैं। यहाँ पे पहली बार हमने देखा कि पहले टीजर आया, देन टू सॉन्ग्स केम आउट, एंड नाउ बिफोर द रिलीज हार्डली अ मंथ इज बिफोर द रिलीज और अभी हम ट्रेलर देख रहे हैं। वॉज देर ये क्या जानबूझ के ऐसा किया गया था? वॉट वॉज द स्ट्रैटेजी बिहाइंड इट? आई थिंक इट्स बेस्ट टू कम nowadays, otherwise you have to keep on doing it for so long. So it's best to come near that when the picture is about to release, and I think that's the best time to put all your efforts in. But otherwise everybody's putting effort for the every week there's a film coming, so har hafte aadmi effort dal raha hai, to itni efforts ke beech mein you'll be starting on putting your effort, it becomes a it gets lost somewhere over there. So I think it's best to do right towards the ending, and aajkal it's become like fast food, so jaldi bhul jate hain log, to just remind them at that time. Hi sir, this is Urvi here on your left. Yeah, my question is to Dharam sir, Bobby and Sunny, all three of y'all. How was the experience of shooting with Salman Khan, Rekha ji and Sonakshi Sinha, all three of them? मैंने कहा ना, वक्त गवाही देता है, मेरा गुजरा वक्त, ये सब मैं किसी को भी आवाज़ दूँ इंडस्ट्री में, ये मेरी कर्मों का फल है, हमारी फैमिली के कर्मों का फल है, हर कोई जुड़ जाता है। एक आवाज़ दूँ पूरी इंडस्ट्री आ जाएगी। सलमान हिमसेल्फ इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बींग, आई लव हिम, ही इज़ अ वंडरफुल पर्सन, ही इज़ जेन्युइन। मैं उसके शूटिंग कर रहा था तो मैं भी बहादुर हूँ, ऐसी बात नहीं। वो एक लेक में शूटिंग कर रहे थे, मैंने पहली दफ़ा सलमान को देखा, वो शर्माता रहता था भी मुझे, आज भी शर्माता है मुझसे। तो कैमरा लेक में गिर गया, कैमरा निकालने के लिए उस आदमी ने जंप किया, पता नहीं कहाँ नीचे गहराई से जाके कैमरा निकाल लाया। तो पहली दफ़ा मैं, यार लड़का बहुत दलेर भी है, क्योंकि पहली फिल्म में उसको अच्छा डांसर भी देख लिया था, अच्छा एक्टर भी है, एंड ही इज़ ए इमोशनल मैन। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं, आप कुछ भी नहीं हैं। पहले अच्छा इंसान होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, आप दुनिया की चोटी तक पहुँच जाओ अगर अच्छे इंसान नहीं हैं, आप कुछ नहीं। आप धरती की ज़मीन में घुसे हुए हैं, आप अच्छे इंसान हैं, बहुत कुछ हैं। तो ये हमारा तरीका है, हमारी फैमिली ऐसे ही चलती आ रही है। हमारी जीत का अगर है जीत, तो इसका राज यही है। एंड हाउ वाज द एक्सपीरियंस डांसिंग विद रेखा जी एंड सोनाक्षी सिन्हा? हाय 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 हाय, सोनाक्षी तो मेरी बेटी है, रेखा तो मेरी बहुत पुरानी सहेली है, तो कितनी फिल्में की हमने साथ में, हम खुलते 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 ही रहे हैं बस। अच्छा लगा बहुत, ये ऑल केम, आई एम सो थैंकफुल टू हर,
good girl, because Shreya, she's a girl. A girl like Dev Sahab. Sir, you know, this side. I have a question to both of you, Bobby sir and Sunny sir. Even though you have done films, not done films, there's a legacy that, you know, people live up to. You can see the reaction to the trailer. Everybody's whistling, crooning, which don't happen to actors today because of social media. It's difficult to become a superstar and continue that stardom. Do you agree? And the same question to Kriti, because you belong to a different generation. How difficult is it for a younger actor to maintain or to reach that stardom, superstardom, which is like non-existent today? ये एडजेक्टिव लगाने का हुनर चाहिए. हम स्टार नहीं बने, हम एक्टर हैं. ये सुपर वर्ड हमें राजेश खन्ना ने दिया है, इसलिए कि उन्हें ये ढंग आता था. हमें ये ढंग नहीं आता, ना हम ये ढंग सीखेंगे. हम जैसे हैं वैसे चलना चाहते हैं. कोई हमें नंबर वन कहे, टू कहे, थ्री, कुछ नहीं. मेरा एक शेर मैं हमेशा कहता हूँ कि हम तीन में हैं ना तेरह में हैं, गिनती छोड़ो ना. हम तीन में हैं ना तेरह में हैं, मगर खुदा के बंदों की उस गिनती में हैं जो खुदा को मोहब्बत, मोहब्बत को खुदा कहते हैं. जोरे मोहब्बत बना लिए हैं घर दिलों में, अब दिलों से निकाले हम कहाँ निकलते हैं. तीन तेरह में क्या लेना है. धर्म जी, धर्म जी.